हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे आए हुए तमाम हिंदी भाषी भाइयों को पहले तो हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, और मैं एक शायरी के रूप में अपना दर्द अपने समाज के बीच में एक संदेश के रूप में देना चाहता हूँ। अरे आज नहीं पूछा तो कल पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा, आपने क्या दिया इस हिंदी भाषी समाज को, कल का ये बदलता हुआ इतिहास पूछेगा। जय हिंद जय भारत। सर, गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर शुभकामनाएं देना हो तो क्या देना चाहिए? गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है, समाज सेवा करने में ये ट्रस्ट हमेशा अग्रणी भूमिका में रहता है। इस ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से आज हिंदी दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिंदी दिवस तो खैर हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हिंदी में बात करने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को चाहते हैं कि हिंदी में काम करें। हम तो अपने ऑफिस में 90% काम हम हिंदी में करते हैं, 10% भले इंग्लिश में होता हो, लेकिन 90% काम हमारा हिंदी में होता है, और हिंदी को हम बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी के जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो है वो इटली की भाषा बोलते हैं, अंग्रेज की औलाद, और हमके बाद देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री जी हिंदी के, राहुल को तो जो लिख के दे दिया जाता है उनको तो हिंदी बोलना भी नहीं आता है, जो लिख के दे दिया जाता है वो पढ़ देते हैं, अगर उसमें कोई लिख दे कि राहुल गांधी गधा है तो वो भी पढ़ देंगे, उनको वो भी बोलने में कोई संकोच नहीं लगेगा, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, जो चीज़ मालूम नहीं है उसको आप बोल देते हो। अगर बात करें गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट की, किस प्रकार के काम करती है ये? गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है कैंसर पीड़ित स्कूलों में बच्चे जो शिक्षा के अभाव में फीस नहीं भर पाते हैं उनकी मदद करती है, और जो सामाजिक कार्य है, हर साल हम यहाँ पे कुछ साड़ियाँ बांटते हैं गांव में, अपने हम 2000 कंबल आज 15 साल से बांट रहे हैं, और 2000 कंबल हमारा टारगेट रहता है, अभी दिसंबर महीने में हम 22 तारीख को जाएंगे, 24 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है, 24 तारीख को 2000 कंबल वितरण होगा, उसमें मिनिस्टर भी हमारे विधायक ही बहुत जन आते हैं और DM भी आते हैं, सबके सहयोग से हम अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों का सहयोग मिले न मिले हमारे बच्चे हमारा सहयोग करते हैं, और हम अपनी कमाई का 25% लोगों के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं। सबसे प्रथम मैं गंगा ट्रस्ट के जो आयोजक हैं मिश्रा जी, उनका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे जो है उन्होंने आमंत्रित किया, मेरा बहुमान किया, और ये बहुमान के साथ जो काम करते गंगा ट्रस्ट के बारे में हिसाब से उनके मुँह से आपने सुना, वो बहुत ही बढ़िया और अच्छा काम करते हैं और ऐसा करते रहेंगे, और वो सिर्फ हिंदी के लिए ऐसा काम करते ऐसा नहीं, और लोगों को भी अनेक तरीके की मदद वो करते हैं। फिर वो कोई उनके पास किसी घर से आदमी गया होता है कि हमको ये होता है होता है, उसको भी मदद करते हैं, और उनको मैं नज़दीक से जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे पोस्ट पे अच्छा काम करने वाले अगर ऐसे लोग हमें यहाँ मिलेंगे तो हमारी शांता ग्रुप की शान बढ़ेगी। इसी साथ में हिंदी दिवस के ऊपर सभी लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। बात करें तो पप्पा के बहुत बड़े पप्पा सबके घरों घरों में आ चुके हैं, और क्या कहना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग सावधानी बरतें, ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ के बचे, कोई वाकया ना हो उसके लिए? मैं समझता हूँ कि आपने सवाल किया है उस बारे में मैं मराठी में बोलूँ तो ठीक रहेगा। गणपती सार्वजनिक आहेत, प्रत्येकाच्या घरात आहेत आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये पण आहे, पण ह्यावेळच्या काही असे लोकांनी हायकोर्टामध्ये PL दाखल केल्यानंतर
जे सार्वजनिक गणपति जे आज बसतात आणि ते बसण्याच्या मागे अनेक लोकमान्य टिळकांचा जो विषय होता त्या विषयाला घेऊन जे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गणेश उत्सव होत होता पण ह्यावेळी जो त्रास झालेला आहे प्रशासनाकडून त्यांची सुद्धा चूक माशी म्हणता येणार नाही। कारण काही लोक असे असतात की त्यांना काही चांगलं वाटतं काही चांगलं नाही वाटत आणि थोडंसं याच्यामध्ये पॉलिटिक्स पण आहे। म्हणून ह्यावेळी जे सार्वजनिक गणेश उत्सवाला जो लोकांना त्रास झालेला आहे त्याची जाणीव मला आहे आणि मी सुद्धा गेले 49 वर्ष वाकोलामध्ये सार्वजनिक गणेश उत्सव करतो पण ह्यावेळी इतका त्रास झाला आहे की मी अतिशय दमलेलो आहे आणि दमल्या कारणाने त्या विषयातला बोलायला कमीत कमी तरी 10 मिनटं पाहिजेत। म्हणून मी आपल्या सर्वांना गणेश बाप्पाला सर्वांनी दर्शन घ्या आणि माझ्या गणपती आमच्या गणपतीला या असं मी सर्वांना जाहीर आमंत्रण करतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र जय गणपती। दिवस पे हिंदी दिवस पे एक लाइन गाना बनाया हूँ मैं, तो लीजिए आपके सामने। दिवस 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 आज हिंदी दिवस है, दिवस 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 आज हिंदी दिवस है। संस्कृति की ये लाडली है बेटी ये हिंदी, संस्कृति की ये लाडली है बेटी ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है हिंदी। दिवस 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 आज हिंदी दिवस है। हाँ जी, मैं प्लेबैक सिंगर पंचम प्रदेशी हूँ। मौका तो अच्छा है, पहले तो सभी हिंदी भाषी लोगों को हिंदी भाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। और हमारे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो भोलानाथ प्रसाद मिश्रा जी है, उन्होंने आज एक रंगारंग कार्यक्रम हिंदी भाषा दिन के उपलक्ष्य रखा, उसका आनंद हिंदी भाषी लोग ले रहे हैं। और ये महाराष्ट्र है, मुंबई है, तो यहाँ राजनीति होती रहती है, लेकिन नॉन हिंदी लोग जो है, यानी मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी पे मेरा उतना ही प्रेम है, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा नहीं है लेकिन ये राष्ट्रभाषा है, ये हम सब लोग मानते हैं। और ये कम्युनिकेशन का एक साधन भी है, स्वातंत्र पूर्व काल में भी कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे सभी स्वातंत्र सैनिक और तभी जब लोगों ने सब काम किया था वो सभी लोगों ने यही लैंग्वेज से एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया था। और इसके लिए हिंदी भाषा, ये एक लैंग्वेज ऑफ यूनिटी भी हिंदी भाषा को कहा जाए तो वो उचित शब्द हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी का। गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के एक अच्छी ट्रस्ट है, उनके यहाँ से बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होते हैं, बहुत गरजू लोगों के लिए कार्यक्रम होते हैं, मेडिकल एड दिया जाता है, शैक्षणिक एड दिया जाता है, तो ये ट्रस्ट बहुत अच्छी ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट को भारतीय जनता पार्टी और व्यक्तिगत मेरे तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और गंगा प्रसाद मिश्रा जी हमारे अच्छे मित्र भी है, पदाधिकारी भी है, आगे चल के ये ट्रस्ट और बड़ा करे, और मेरा उनको कहना है कि ये आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के मूल प्रभाव में मूल स्वतंत्र में आकर काम करे, ऐसा मैं उनको निवेदन करता हूँ। सर, देश के प्रधानमंत्री हिंदी का काफ़ी जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जाके हिंदी में भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र में किस तरह से हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं उसके बारे में बताइए, आपकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है? आपने प्रश्न भी पूछा और आपने उत्तर भी दिया। जब यहाँ का प्रधानमंत्री, वही बता रहा हूँ ना मैं, महाराष्ट्र अलग थोड़ी है, जग भर में मेरे प्रधानमंत्री हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र छोड़ के थोड़ी करेंगे, तो वही महाराष्ट्र में छोड़ के थोड़ी करेंगे। महाराष्ट्र में जबकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ वही पार्टी का, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ की बैठकें हिंदी में होती है, उपयोग होता है, लेकिन मैक्सिमम ये जो लैंग्वेज है, इसीलिए मैंने बोला ना कि लैंग्वेज ऑफ यूनिटी क्यों बोला, कि तभी आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे तभी भी बंगाल था, कर्नाटक था, अलग अलग लैंग्वेज थी ना, तेलुगु सब मलयाली भाषा थी, तभी कैसे हम लोगों ने स्वतंत्र संग्राम लड़ा रहेगा, यहाँ का महाराष्ट्रीय नेता उनके साथ कैसे बात किया रहेगा, तो हिंदी लैंग्वेज थी कि वो भाषा से ही एक दूसरे से हम लोग संपर्क कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे और लोगों को भी समझा रहे थे। इसके लिए हमारा पक्ष का कहना ही है कि हिंदी भाषा ये लैंग्वेज ऑफ यूनिटी ही है, और मराठी लोग हिंदी भाषा को कभी दूसरी भाषा की तरफ से देखते नहीं है, हमारे सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है। जवाबदारी की बात करें सर, उत्तर मध्य जिला बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कहते हैं कंधों पर
जब जवाबदारी पड़ती है तो बचपन याद आ जाता है। बराबर कितनी आपको? नहीं नहीं, जवाबदारी तो है, जवाबदारी एक सिस्टम है, सिस्टम में किसी एक को जवाबदारी दी जाती है तो वैसी वो जवाबदारी सार्वजनिक सबकी रहती है। और ये सिस्टम में केवल दिखने के लिए जिलाध्यक्ष एक रहता है लेकिन उनकी एक पूरी टीम रहती है, तो पूरी टीम जोर शोर में वो जवाबदारी लेती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मिल के काम करते हैं। और उसका रिजल्ट अभी भी हम लोग ने इलेक्शन में दे दिया था, तो संगठन यहाँ का उत्तर मध्य जिला का संगठन मजबूत है। जहाँ कांग्रेस को लग रहा था कि पूरे भारतवर्ष में केवल उनकी एक ही सीट उनको कन्फर्म लग रही थी, वो भी हम लोगों ने उनसे छीन ली, और ऐसे वैसे नहीं छीने, 4.5 लाख के ऊपर से हमको वोट मिला है, तो दंडनीय विजय हम लोग ने वहाँ लिया है, तो संगठन के बलबूते पे हम लोग ने वो चुनाव जीता है। सर, बप्पा घर घर में आ रहे हैं यहाँ पर मुंबई में, क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जिला की ओर से कि लोग थोड़ा सावधानी बरते जहाँ भीड़ भाड़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र का पारंपरिक क्षण है, अब वो महाराष्ट्र का रहा नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर भी गए, तो सभी गणेश भक्तों को आपके माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी गणेश भक्तों को सावधानी बरतने की भी सलाह देता हूं कि हम आगे चल के पुलिस और मंडल के कार्यकर्ता जो है उनको सहकार्य करें ताकि कोई नुकसान ना हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।